हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में हमारे साथ है अक्षय, जो सितंबर बैच से पास आउट हो चुके हैं एंड वो प्लेस भी हो चुके हैं। इनसे बातें करेंगे लाइक उनका क्या स्ट्रेटेजी रहा था, क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रहा था थ्रू आउट द जो भी कोर्स रहता है, और कैसे उन लोगों ने कोडिंग प्रैक्टिस या फिर बाकी के जो भी प्रिपरेशन किया था कैसे किया था, ये सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहले सबसे पहले अक्षय को कॉन्ग्रेचुलेट कर देते हैं। अच्छा हुआ प्लेस हुआ। और सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, अक्षय का ऑलरेडी टीसीएस में भी प्लेसमेंट हो चुका था, लाइक ही लेफ्ट द जॉब, मतलब लेफ्ट नहीं, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उसने चूज किया सीडैक करने के लिए। तो गाइस एक पॉइंट है, देखो आज गाइस उसे बातें करेंगे कि लाइक जो भी चीजें आपके जो भी डाउट्स है तो सभी क्लियर हो जाएंगे। मैंने कल जो ये चलाया था, पोल चलाया था, उसमें बहुत सारे मुझे क्वेश्चन आए। मैंने ट्राई किया हूँ कि सब क्वेश्चन कवर करूँ इस वीडियो में, तो लास्ट तक पूरा एंड तक वीडियो देखिएगा, कहीं भी स्किप मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें होने वाली है। तो अगर स्टार्ट कर देते तो सबसे पहले अक्षय ये सवाल है मेरा कि लाइक ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा सीडैक का? मेरा तो ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑसम रहा, मुझे प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप आईटी से बैकग्राउंड से हो कि नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो, तो आपको बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा, कुछ नहीं होगा। बस यही रहता है कि ऑनलाइन मोड में ये रहता है कि आपको 6-7 hours, 8 hours आपको कंसंट्रेशन मेंटेन रखना पड़ता है स्क्रीन के सामने। आप जरा सा भी लैग होते हो तो वो, क्योंकि एक फिजिकल मूड में आप किसी से इंटरेक्ट कर रहे हो तो वो ज्यादा इजीली आप उससे इंटरेक्ट कर पाते हो। एक वर्चुअल एनवायरमेंट में अगर आप किसी को लॉन्ग टर्म तक ऐसे देख नहीं पाते हो तो ये प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी। बट प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ कि लाइक वर्चुअल है तो समझ नहीं आएगा। इनफैक्ट ऑनलाइन में एक ये फायदा होता है, तो इधर डायरेक्टली वी आर हैविंग 1-to-1 इंटरेक्शन विद द फैकल्टी। उसको लगता है, क्योंकि जो फ्रंट बेंच पे बैठता है वो इजिली फैकल्टी के साथ कॉन्टेक्ट में रहता है, टच में रहता है। जो लास्ट पे बैठता है वो थोड़ा सो जाता है, क्योंकि इधर कैसा सब सब फ्रंट सीट पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और समझने की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लैब फैकल्टी सपोर्ट अच्छा है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सनबीम का ओवरऑल स्टाफ कैसा सपोर्ट हुआ, लाइक पढ़ाने का तरीका या फिर और जो भी चीज है, मतलब जो संदीप चूज करना चाहता है? हमारे टाइम ऐसा रहता था कि आपके मॉर्निंग में लेक्चर्स होते थे और बाद में लैब होती थी, तो जो मॉर्निंग में लेक्चर्स होते थे वो मॉड्यूल टू मॉड्यूल डिफर होते थे, कोई 2 hours का, कोई 3 hours का, कोई 4 hours का, एडवांस जावा 5 hours, और देन वी विल हैव दैट लैब। तो 1-2 घंटे का बीच में ब्रेक होता था और उसके बाद हमारी लैब शुरू हो जाती थी। तो लैब में हमें जो असाइनमेंट्स मिलते थे वो असाइनमेंट्स हमें कंप्लीट करने होते थे और उसके बाद खत्म, फिर नेक्स्ट डे की तैयारी। तो मतलब लाइक अभी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लाइक कि आपका क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी था, लाइक कि बोला एक अलग होता है कि लाइक टीचर्स जो बोलते हैं वो चीजें अलग है, लाइक आपका पर्सनली क्या स्ट्रेटेजी था कि लाइक क्या तुझे करना है कि लाइक ये 5-6 महीने में कि आगे जाके तुझे पता चले, मतलब अच्छा पैकेज मिले, समझ रहे? मेरा गोल था कि मुझे 7 lakh के ऊपर का पैकेज चाहिए, ठीक है। तो मैंने उस लेवल से पढ़ाई करनी, तो मैंने क्या किया, जैसे हमारे सीनियर्स जो प्लेस्ड हो रहे थे उन लोगों से पूछा वो क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रही, हर इंसान के अलग अलग रहे, ठीक है। तो मैंने सबका सम अप किया, उन्होंने जैसे उन लोगों के जो इंटरव्यू क्वेश्चंस थे वो मैंने सारे मेरे पास आ चुके थे, तो मैंने उन सबके इंटरव्यू क्वेश्चंस मेरे पास रखे हुए थे। सो क्या होता था कि जब मॉड्यूल शुरू हुआ, लाइक डेटाबेस हुआ, डेटा स्ट्रक्चर हुआ, कोड हुआ, तो जितना जैसे आज हमारे को लिंक लिस्ट पढ़ाया, तो लिंक लिस्ट मैंने पढ़ा और उसके बाद उसके जितने इंटरव्यू क्वेश्चंस होते थे उसको साइड बाय साइड करते जाता था। नहीं तो क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि हम जब लास्ट में जाते हैं तो हमारे लिए हर चीज नई नहीं होती है, हमारा सब पढ़ा हुआ होता है, जस्ट वी हैव टू गो थ्रू इट। मतलब भले आपने एक बार पढ़ा हुआ हो पर आपका माइंडसेट रहता है यार ये तो पढ़ा हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम आप उसको इजीली ग्रैस्प कर लेते हो। तो मैं जैसे आज कंस्ट्रक्टर पढ़ाया तो कंस्ट्रक्टर के इंटरव्यू क्वेश्चन लगा लिए, डेटाबेस पढ़ाया, जो टॉपिक पढ़ाया उसके इंटरव्यू क्वेश्चन लगा लिए, ठीक है। और साथ ही साथ एरे और स्ट्रिंग्स जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन होते हैं इंटरव्यू में लॉजिकल कोडिंग के लिए, तो वो मैं डेली एक या दो क्वेश्चन एकदम हार्ड लेवल पे नहीं जाने, इजी इंटरमीडिएट और बिगनर लेवल पे ही रहना है। सो ये प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रही थी मेरी कि डेली एरे और स्ट्रिंग्स के क्वेश्चंस लगाने हैं। ओके ओके। और लाइक बहुतों के प्रॉब्लम रहती है कि लाइक अभी जैसे बच्चे ज्वाइन हो जाते तो मुझे जैसे ज्वाइन हो चुके दूसरे दिन से मुझे मैसेज आने लगते सर प्रोजेक्ट क्या चलता है, क्या मतलब सही है लाइक स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट डिसाइड करो या फिर पढ़ने के बाद करो, या फिर तेरा कैसा था स्ट्रेटजी? प्रोजेक्ट डिसाइड का तो हमारे इसमें कोई रोल ही नहीं था। मतलब उन्होंने बोल दिया कि आपको ये कुछ जाना है ऑनलाइन क्लोथ शॉपिंग, जैसे मैंने ऑनलाइन क्लोथ शॉपिंग किया था, ई कॉमर्स वेबसाइट थी, तो उतना रखा था मैंने, क्योंकि अभी आपको डेटाबेस पढ़ना है, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है, फिर कोर जावा होगी, देन यू हैव टू एडवांस जावा मर्न स्टैक, ठीक है। तो मैंने सिलेक्ट किया था कि मेरे को उसमें जाना है, क्या बोलते हैं, मर्न स्टैक में जाना है। तो प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजी बहुत लास्ट होती है, लाइक मर्न स्टैक और एडवांस जावा दोनों लास्ट के मॉड्यूल है, तो आप पहले से कुछ डिसाइड ही नहीं करते हो और आपको पता ही नहीं है कि स्प्रिंग क्या होता है, स्प्रिंग बूट क्या होता है, जावा क्या होता है, एडवांस
तो फिर पहले से डिसाइड करके मतलब जो टेक्नोलॉजी चल रही है उस पर फोकस करो, फिर जब आपके पास एक डेढ़ महीना होता है शुरू कर सकते हो कि हाँ यार मेरे को मन जावा अच्छा लग रहा है, जावा स्क्रिप्ट ज्यादा अच्छी लग रही है, तब मन स्टैक में चले जाओ, नहीं अच्छी लग रही है तो एडवांस जावा किसमें चले जाओ। अच्छा अच्छा एग्जैक्टली वही, ऐसा पहले से कोई डिसाइड नहीं करना चाहिए। वो बच्चे क्या ये हो जाती है लाइक अभी सीडैक ज्वाइन कर लिया मतलब सब पहले से करके बैठेंगे लाइक ये मतलब मेंटेलिटी हो जाती है बच्चों की। तो गाइस जो भी मतलब देख रहा है आप लोग समझ लीजिए कि लाइक पहले समझ लो टेक्नोलॉजी पढ़ लो उसके बाद चूज करो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता तुम्हें कौन सी टेक्नोलॉजी मतलब अच्छी लगने वाली है, लाइक तुम्हें जावा अच्छा लगेगा, एडवांस जावा अच्छा लगेगा या फिर मन स्टैक अच्छा लगेगा। तो आपको जो अच्छा लगे उसमें ट्राई करो कि कुछ आपसे इनोवेट करे या फिर अपना प्रोजेक्ट चूज करे। बहुत सारे वैसे प्रोजेक्ट के टॉपिक्स आपको गूगल पे सर्च करने से मिल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि पहले से ज्वाइन कर लिया और फटाक से प्रोजेक्ट चूज करो, इतना जरूरत नहीं है सोचने के लिए। अभी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करते कि कोडिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए बच्चों को लाइक, क्योंकि कोडिंग की प्रैक्टिस कितना इम्पोर्टेंट है आगे तुम्हें टेक्निकल राउंड हो या फिर कोडिंग राउंड हो उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है कोडिंग। तो कोडिंग तो बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब आप कोई भी कंपनी का पेपर ले लो या तो पहला राउंड कोडिंग का एप्टीट्यूड होगा या उसमें प्रोग्रामिंग एमसीक्यूज होते हैं, जिसमें सीकैट का पेपर होता है तो सीधे उसमें प्रोग्रामिंग एमसीक्यूज होते हैं। तो यहाँ आपको कोडिंग क्वेश्चंस करते आनी चाहिए, कोडिंग तो आनी ही चाहिए ठीक है। अब वो सीडैक में सीख जाते हो इस लेवल तक की सीख जाते हो कि आप कोड बना लेते हो, बट आपकी लॉजिकल स्किल्स कब इंप्रूव होगी जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आर लाइक फ्रॉम एरे और स्ट्रिंग्स, आपको एरे अच्छे से आना चाहिए और स्ट्रिंग आना चाहिए, क्योंकि जनरली इंटरव्यू एक घंटा या डेढ़ घंटा चलता है मैक्स। तो वो आपसे ऐसा तो है नहीं कि डायनामिक प्रोग्रामिंग और ग्रीडी और रिकर्शन के बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिख पाएगा, वो आपसे बेसिक आपका लॉजिक सोच पाते हो कि नहीं सोच पाते हो। तो मैं पर्सनली क्या करता था, मेरा एक मेरा फ्रेंड है, हम दोनों डेली टारगेट सेट करते थे कि अकेला इंसान क्या आगे नहीं बढ़ पाता, तो हम दोनों टारगेट सेट करते थे यार आज तीन क्वेश्चन करना है। तो हमने कोई भी वेबसाइट ले लो, ऐसा नहीं है कि हैकर एंड से करना है कि हैकर से करना है, कोडशेफ से करना है, कोई भी वेबसाइट ले लो। मैं पर्सनली लीड कोड और गिग्स फॉर गिग्स प्रीफर करता था। लीड कोड इसलिए प्रीफर करता था कि लीड कोड पे ना फालतू की चीजें नहीं लिखी होती है कि यार ये माइक हैज डन दिस देन ही हैज गो टू दिस, फिर बाद में दो लाइन में क्वेश्चन लिखा हुआ, ऐसा लीड कोड में कंसाइज कि ये क्वेश्चन है और ये आपको निकालना है, दैट्स इट। इसलिए मैं पर्सनली लीड कोड और गिग्स फॉर गिग्स। तो गिग्स फॉर गिग्स पे तुम लोग जाओ, वहां पे प्रैक्टिस में जाना, प्रैक्टिस में एरे सिलेक्ट करना, उसमें डिफिकल्टी लेवल है स्कूल बिगनर इंटरमीडिएट एडवांस। तो सबसे पहले स्कूल के क्वेश्चन लगाओ, फिर इंटरमीडिएट लगाओ, फिर आगे आगे जैसे तुम्हारी प्रोग्रेस होते जाए तुम्हारे को लगता है क्या इसके क्वेश्चन, दूसरी वेबसाइट पे चले जाओ, कोडशेफ पे चले जाओ, सो यू कैन गो टू मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। बट हर कंपनी के पेपर में पहला राउंड कोडिंग प्लस एप्टीट्यूड या एप्टीट्यूड या प्रोग्रामिंग एमसीक्यूज प्लस एप्टीट्यूड, अगर वहां नहीं पूछा तो अंदर जाके फर्स्ट टेक्निकल राउंड में सेकंड टेक्निकल राउंड में देर इज अ पॉसिबिलिटी 80-90% ही पूछेगा, बट 100% श्योरिटी कोई पूछेगा, पूछ सकता है। और अभी देखो सबसे मतलब ज्यादा बच्चे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऑनलाइन करना चाहिए या ऑफलाइन करना चाहिए, या ऑनलाइन में तुमने क्या प्रॉब्लम्स फेस किए लाइक पर्सनली तुम्हें क्या अच्छा नहीं लगा ऑनलाइन में ऑफलाइन के कंपैरिजन में, या फिर ऑनलाइन बेटर है या फिर ऑफलाइन बेटर है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। मुझे पता है जो फेब के बैच के स्टूडेंट्स है, फेब 20 बैच के, एक उनको ऑप्शन दिया गया था कि नेक्स्ट फिजिकल बैच चूज करो या फिर अभी ऑनलाइन में कर लो, उन लोगों ने बाद में जुलाई में ऑनलाइन स्टार्ट किया था। तो कुछ बच्चों ने ऑफलाइन चूज किया जो अभी तक ऑफलाइन का वेट ही कर रहे हैं, और उन लोगों ने अभी ज्वाइन कर लिया क्योंकि कोरोना का सिचुएशन है तो नो वन नोज कि कब होगा फिजिकल बैच। तो क्या मतलब तुम्हारा ओपिनियन क्या है लाइक जो सोच रहे कि लाइक अभी 2022 पास आउट है 2021 पास आउट बच्चे, उनको क्या ऑफलाइन का वेट करना चाहिए या बेटर है ऑनलाइन कर लो, क्या लगता है तुम्हें मतलब? तो हर चीज के देखो दोनों प्रोज एंड कॉन्स है। तो क्या है कि आपको डायरेक्ट फैकल्टी से बात बात कर सकते हो आप, ठीक है, आपका आईज खराब नहीं होती है, ठीक है, टाइम मेंटेन नहीं करना पड़ता है, ठीक है, बट मेरे हिसाब से ज्यादा प्रेफरेबल है, ठीक है। लोग बोलते हैं अपन घर के कंफर्ट में है तो हम लोग पढ़ाई नहीं कर सकते, घर में क्या वो माहौल नहीं रहता है, ये नहीं रहता है, बोलने की बात है। अगर आपको पढ़ना है तो आप घर में भी पढ़ लोगे, उसमें फर्क नहीं, अपना रूम पकड़ो, साइड में बैठो और स्टडी करो। दूसरा ये है, ये फायदा होता है कि डायरेक्टली हम जैसे क्या होता है कि कुछ नहीं आया तो सीधे जूम कॉल करा, ठीक है भाई ये जरा क्वेश्चन बता देना, या डायरेक्ट फैकल्टी को कॉल किया, सीधे फैकल्टी हेल्प कर देती थी लैब में। तो ऐसे लैब फैकल्टी की लैब सपोर्ट की कोई दिक्कत नहीं कि लैब कैसे फैकल्टी हेल्प करेगी, डायरेक्टली फैकल्टी को जूम कॉल करो, स्क्रीन शेयर करो, फैकल्टी बोल देती थी ये कोड में आपकी दिक्कत है। वैसे फैकल्टी तक जाने का मौका ही नहीं मिलता था, जनरली जो स्टूडेंट्स ही रहते थे वो आपस में एक दूसरे की हेल्प करके सॉर्ट आउट कर देते थे, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। और ऑनलाइन में सबसे ऐसा कुछ नहीं है कि समझ नहीं आता, ये नहीं आता है, सब बोलने की बात है, सब समझ में आता है, ठीक है।
बट आपको अपना कंसंट्रेशन मेंटेन करना है एक कौन सी है, दैट्स इट. सबसे बड़ा फायदा आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाती है, ठीक है, जो इंस्टीट्यूट अगर प्रोवाइड करता है. सो फॉर एग्जांपल बाय द सेक अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप इसे उस रिकॉर्डिंग के थ्रू जाके समझ सकते हो. नहीं नहीं प्रॉब्लम क्या है, लाइक सनबीम में बेटर है, लाइक ऑनलाइन में सनबीम का जो रिकॉर्ड है सही है, लाइक इतना सपोर्टिव स्टाफ है या फिर इतना अच्छा है. लाइक जो बाकी सेंटर के अगर तेरे फ्रेंड्स होंगे तो तुझे पता होगा, तो बाकी सेंटर पे उतना कोऑपरेटिव नहीं है स्टाफ की, लाइक बच्चों को इतना ये कर सकते. मैंने मतलब बहुत सारे बच्चों से कंप्लेन सुना, मतलब ये क्या मतलब सुना है कि लाइक अच्छे से नहीं हो रहा है या फिर वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे ज्यादा, दिन में 2 आवर लेते हैं, बाकी तो सपोर्ट के टाइम पे कोई नहीं होता है, लैब सेशन में कोई अवेलेबल नहीं होता है. मतलब सेंटर की मैं नाम नहीं लेना सेंटर का, लेकिन होता है. ठीक है ठीक है, पर ऐसा है ना, देखो ठीक है अगर आप अभी भी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, बट आप आईटी इंडस्ट्री में जा रहे हो खुद से सर्च करना है. ऐसा तो है नहीं कि आप बोल देगा ये प्रॉब्लम आ गई तो आपको वहां पे फैकल्टी आएगी और आपको समझाएगी कि ये एरर आ गई. आपको एरर आ रही है, आप उस एरर को कॉपी करो, नेट पे डालो, हंड्रेड्स ऑफ सॉल्यूशंस है, ठीक है, स्टैक ओवरफ्लो पे जाओ, वो एरर देख लो. जनरली हमें जो स्टार्टिंग में एरर आती है ना उसका सॉल्यूशन इजीली कोई भी जगह मिल जाएगा, जो सिडैक कर रहे हो, ठीक है, तो जिसको भी एरर आएगी वो आपको इजीली मिल जाएगी. जस्ट कॉपी दैट एरर पेस्ट ऑन द गूगल, तो आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा कि आपने ये मिस करा होगा या माइट बी आपने क्लास नहीं लगाई होगी या ये नहीं होगा. सो अगर प्रॉब्लम्स आ भी रही है तो उसको फेस कर लो, कोई उसका वो इतना इशू नहीं है, क्योंकि एट लास्ट जो होता है आपको डेटा स्ट्रक्चर, डेटाबेस और कोड जावा, ये तीन पे सॉलिड कमांड होना चाहिए और आपकी प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजी. सो धीरे धीरे यू स्टार्ट डेवलपिंग दिस हैबिट कि यार हाँ एरर आई है मैं खुद से रिजॉल्व करता हूँ. एट लास्ट नहीं हुआ तो अपने फ्रेंड के पास जाओ, फ्रेंड से नहीं हुआ तो फैकल्टी के पास जाओ, इतना तो सपोर्ट होगा कि प्रॉब्लम क्या होता है बच्चों, अभी जो नए मैकेनिकल के बच्चे हैं या फिर जो दूसरे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, ओके, तेरा कंप्यूटर साइंस था एग्जैक्टली, राइट? हाँ, तो जिनका मैकेनिकल बैकग्राउंड है उनको कैसा होता है, उनको बहुत बेसिक स्टार्ट होता है, लाइक उनको गिग्स फॉर गिग्स भी नहीं पता, तो वो लोग बाकी वेबसाइट के बारे में तो जानते ही नहीं है, लाइक गिग्स फॉर गिग्स नहीं जानते हैं तो बाकी तो जानना बहुत मुश्किल है. तो वो लोग सोचते ही नहीं कि लाइक गूगल के पास सब आंसर्स है. ब्रो तुम एक बार सर्च करो गूगल पे, तुम्हारा जो प्रॉब्लम है नॉर्मल लैंग्वेज में सर्च करो, तुम्हें बहुत सारे वेबसाइट आ जाएंगे, ब्लॉग्स आ जाएंगे, डिजिटल ओशियन ब्लॉग है देख लो, या फिर स्टैक एक्सचेंज ओवरफ्लो देख लो, या फिर गिग्स फॉर गिग्स देख लो, जावा टी पॉइंट देख लो, बहुत सारे उसमें डाउट्स क्लियर हो जाते हैं. लेकिन बच्चों को सर्च कैसे करना है या फिर क्या एरर भी अगर आता है तुम्हें तो वो कॉपी करो एरर, सर्च करो, तुम्हें उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा. तो मतलब जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता रहा हूँ. तो अगले क्वेश्चन पे चलते, तो मुझे लाइक आपके कितने टेक्निकल लाइक कितने क्या बोलते हैं कितने प्लेसमेंट में तुमने बैठे, लाइक अभी फोर्थ में कुछ तो हुआ है ना आपका प्लेसमेंट, फोर्थ कॉल पे, तो फर्स्ट 3 राउंड का क्या एक्सपीरियंस था और फोर्थ राउंड में तुम्हें कितने राउंड्स थे, मतलब जो सॉफ्टवेयर में कितने राउंड्स हुए और कैसे टेक्निकल राउंड हुआ था, इसके बारे में थोड़ा बताओ. तो देखो हर मैं एक जनरल बता देता हूँ, हर कंपनी में पहला राउंड होता है कोडिंग प्लस कोडिंग या एप्टीट्यूड या कोडिंग प्लस एप्टीट्यूड, ये पहला राउंड. दूसरा राउंड होता है टेक्निकल, अब वो अच्छी कंपनी हो तो 2 टेक्निकल भी ले सकती है, 3 टेक्निकल भी ले सकती है, ठीक है, डिपेंड ऑन द कंपनी, जनरली 1 या 2 होते हैं, ठीक है, 3 रेयर केस में होता है, जनरली 1 एंड 2, देन एचआर फॉलोड बाय एचआर ओनली, ठीक है, ये एक जनरल, ठीक है. तो मेरा पहली कंपनी थी पीडीजी, तो पीडीजी में मेरा फर्स्ट राउंड था ये सॉरी प्रोग्रामिंग, उसमें 4 सेक्शन थे, वर्बल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, कोडिंग एमसीक्यूज, प्रोग्रामिंग एमसीक्यूज एंड एप्टीट्यूड. तो ये पहला राउंड था, दूसरा था टेक्निकल एंड देन तीसरा था एचआर, ठीक है, एमआर प्लस एचआर दोनों था, वो कंबाइंड था, तो ये हुआ था. देन सेकंड मेरा वेरीफोन का मेरा निकला नहीं था, फिर थर्ड मेरी कंपनी थी जो सॉफ्टवेयर, और फिर उसके बाद मैंने फिनास्त्रा, ऐसी 4-5 कंपनीज थी बट उनके रिजल्ट बहुत लेट आए थे, तो मेरा उसके पहले ऐसा समझ लो 3rd-4th call मान लो मेरे बाकी के रिजल्ट पेंडिंग. तो फिर मेरा आया था जो सॉफ्टवेयर का, तो जो सॉफ्टवेयर में एक कोडिंग क्वेश्चन 40 मिनट्स, दैट्स इट, आपको 40 मिनट्स में उसको सॉल्व करना है, तो वो हो गया था. तो उसमें ऐसा बोलते हैं 800 बच्चे शॉर्टलिस्ट होते हैं, तो 800 समझना समथिंग अप्रोक्स, तो उसके बाद सीधे 11 बच्चे, तो 11 के बाद फिर उन लोगों के सेकंड फर्स्ट टेक्निकल राउंड हुआ जो 1.5 घंटा चला था, फिर सेकंड टेक्निकल राउंड जो 1 घंटा 15 मिनट चला, और फिर एचआर जो 1 घंटा चला. तो टेक्निकल राउंड का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, मतलब ज्यादा फोकस किस पर रहा है, लाइक मतलब बच्चे पूछ रहे हैं, बच्चों के क्वेश्चंस क्या है, एक बार बच्चे के क्वेश्चंस क्या है, डीएसए कितना इंपॉर्टेंट है करना, क्योंकि डीएसए को बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं ड्यूरिंग द कोर्स भी, लाइक वो लोग सोचते हैं कि जावा कर लो बहुत अच्छे से हो गया, उस कंसेप्ट कर लो हो गया,
लेकिन डीएसए का कितना इम्पोर्टेंस है टेक्निकल इंटरव्यू में, क्या लगता है मतलब तुम्हें कितना एक्सपीरियंस रहा? जनरली मेरे हिसाब से ऐसा था कि अगर आपको कोड आप पहले टेक्निकल राउंड के लिए जा रहे हो ठीक है, तो इट डिपेंड अपॉन इंटरव्यू, इंटरव्यू को जावा आती है तो तुम्हारे से जावा पूछेगा डेप्थ में ठीक है, अगर उसको MySQL आता है तो MySQL डेप्थ में लेके जाएगा ठीक है, उसको अगर रिएक्ट अच्छे से आती है MySQL अच्छे से आता है तो उसको जो आता है वो उस पे जाएगा, ऐसा कोई कंपलसरी। जैसे मेरा पहला जो इंटरव्यू राउंड था वो 60-70% से MySQL में चला था फर्स्ट टेक्निकल राउंड ठीक है, थोड़ा उसने ऊप्स कॉन्सेप्ट्स इनहेरिटेंस और ये सब चीजें पूछी थी, बट मोस्टली जो 60-70% चला था वो मेरे लिए था। और दूसरी चीज जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट, पजल्स करना, कि आपको पजल्स डेली करना, पजल्स क्योंकि ऐसी चीज है ना कि आपको यहाँ तो आता है यहाँ तो कुछ नहीं आता है, आपको हिट हो गया तो ठीक है, नहीं तो आप इतना भी सोच लो आप वो उसका लॉजिक क्रैक नहीं कर सकते। सो डेली क्या आप 2-3 पजल सॉल्व करो, गिग्स फॉर गिग्स पे जाओ पजल्स लगा लो ठीक है, तो वो पजल्स लगाने से क्या होता है कि उस टाइप का अगर कुछ सिमिलर आके तो एटलीस्ट आपको अप्रोच पता होती है कि यार आपकी अप्रोच से सॉल्व करना है। सो मैं इसे वॉटर एंड जग प्रॉब्लम पूछा था, 3 लीटर और 5 लीटर जगह आपको 4 लीटर मेजर करना है, तो मैं इसे वाला एक पजल आया था तो MySQL था और फर्स्ट टेक्निकल राउंड में MySQL पूछा था, कोडिंग पूछा था, डेटा स्ट्रक्चर्स इज इंपॉर्टेंट, अब वो डिपेंड्स अपॉन द इंटरव्यू क्या पूछता है। जनरली स्टैक क्यू और लिंक्ड लिस्ट, 30 तक कोई जाता नहीं है, जनरली स्टैक क्यू और लिंक्ड लिस्ट में मेनली फोकस होता है इंटरव्यू का, क्योंकि अगर आपको लिंक्ड लिस्ट आता है तो आपको ट्री आता है, और क्योंकि ट्रीज इज ऑल अबाउट लिंक्ड लिस्ट ओनली, और आपको ग्राफ भी आता है लिंक्ड लिस्ट ही है, तो अगर वो आपको चेक कर लेते हैं लिंक्ड लिस्ट आती है कि नहीं आती है, तो अगर आपको मतलब जनरली स्टैक क्यू, बट मेरे तीनों इंटरव्यू में डेटा स्ट्रक्चर नहीं पूछा था, बट मेरे फ्रेंड जो मेरे साथ प्लेस्ड हुआ है संदीप कहीं उससे पूछा गया था, तो ऐसा डिपेंड्स अपॉन द इंटरव्यू कि आपसे पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा। ओके, तो ये बता दो मुझे लेवल ऑफ कोडिंग क्या होती है, कोडिंग जो राउंड होता है उसमें कोडिंग का लेवल क्या होता है, लाइक बच्चों को किस तरह प्रिपेयर करना चाहिए, एकदम बिगिनर लेवल या मैक्सिमम इंटरमीडिएट? मैक्सिमम, ओके, उससे हाई तो ज्यादा, मैक्सिमम बहुत ज्यादा हो गया, इंटरमीडिएट भी नहीं, बेसिक ही होते हैं कि जैसे एक एरे दे दिया है तो उसमें 1 2 कितनी बार है बताओ, 3 कितनी बार है ठीक है, फ्रीक्वेंसी काउंट बता दो, मतलब बट आपको करते आना चाहिए, और उसको ऑप्टिमाइजेशन, आपको ऑप्टिमाइजेशन करते आना चाहिए कि यार मैं ये चीज हटा दूंगा तो मेरी मेमोरी बच जाएगी, ये चीज हटा दूंगा, एक लूप हटा दूंगा तो इससे कुछ हो सकता है, इसको इतना लास्ट तक ना चलाते हुए N-2 तक चलाता हूँ, N-2 तक चलाता हूँ, तो वो ऑप्टिमाइजेशन आपको, पहले तो नॉर्मल ब्रूट फोर्स अप्रोच, मतलब नॉर्मल अप्रोच से करके देखो कि कितना बन पा रहा है कितना नहीं बन पा रहा है, ऑप्टिमाइजेशन बहुत दूर की बात होती है, पहले बनेगा ही नहीं तो आगे की बात ही नहीं होती है, तो पहले ट्राई करो कि बन जाए, उसके बाद उसको ऑप्टिमाइजेशन वो सब सेकंड। तो एक बार मुझे ना आपने जो सोर्सेस रेफर किए थे लाइक थ्रू आउट द कोर्स, एकदम शॉर्ट में बता दो किस चीज के लिए क्या ज्यादा रेफर किया था, या फिर कौन सी वेबसाइट रेफर की थी, ताकि बच्चों को पता चल जाए कि क्या रेफर कर सकते हो उनके अकॉर्डिंगली। तो मैंने पर्सनली है ना, देखो मेरी फैकल्टी ने जो नोट्स बनाए थे, हम जो पढ़ रहे थे वो उस चीज के नोट्स थे, तो उनके नोट्स मैंने, तो जो अपने इंस्टीट्यूट के जो फैकल्टी नोट्स देंगे उसके नोट, क्योंकि वो उनके पास लिंक होता है, ऐसा नहीं कि सनबीम के नोट्स बहुत अच्छे है तो सनबीम के नोट्स पढ़ने कर रहे इधर उधर करने लग गए और फिर फंस जाओ बेफालतू में, ठीक है, जो इंस्टीट्यूट के नोट्स है जो उसके साथ लिंक हो तो तुम वो इंस्टीट्यूट के नोट्स कर लो, ठीक है। सेकेंडली अगर तुम्हारे को कोई टॉपिक समझना है, देखो लास्ट में जो चीज होती है ना वो होती है बोलना, डिलीवर करना, ठीक है, उसको समझाना, तुम समझा पाओगे जब तुम्हारे पास कंटेंट होगा बोलने के लिए, और कंटेंट कब आएगा जब क्वालिटी कंटेंट को पढ़ोगे। तो मैंने जनरली प्रीफर किया था पॉइंट और ट्यूटोरियल्स और गिग्स फॉर गिग्स, अगर जैसे मेरे को लग रहा है कि यार इन तीनों में जो सबसे अच्छा मेरे को जहां से कंटेंट लगता था मैं वहां से पढ़ता, जनरली मैंने जावा टी पॉइंट प्रीफर किया फॉर जावा और एडवांस जावा, और बाकी चीजों के लिए जैसे आपको W3 टूल्स है, ठीक है, आप वहां से आपको लगता है कि HTML CSS React पढ़नी हो, ठीक है, फॉर कंटेंट, ठीक है, अगर आपको इंग्लिश इंग्लिश बोलनी है तो आपको जो कंटेंट लगेगा सामने वाले को बोलने के लिए, सो उस चीज के लिए आप पढ़ना जरूरी है, क्योंकि नोट्स में छोटा एंड है कि आपको ये बोलना है, आपको एट लास्ट बोलने के लिए आपका कंटेंट होना चाहिए। एंस कैलकुलेशन कोई फैकल्टी बता देगी बेटा कोड और मेथड को मिला दिया, एंस कैलकुलेशन को उसको आप डिलीवर कैसे करना है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी अगला क्वेश्चन है लाइक बच्चों के बहुत सारे डाउट्स है, बच्चों के कम्युनिकेशन वीक होता है, लाइक वीक होता नहीं है, लाइक उनको लगता है कि मेरा ज्यादा कम्युनिकेशन वीक है, लाइक मैं डिलीवर नहीं कर सकता, तो इंग्लिश का कितना इम्पोर्टेंस है इंटरव्यू के थ्रू, मतलब जो भी इंटरव्यूज होते हैं, और कम्युनिकेशन स्किल्स इसके बारे में बता दो, लाइक कितना इम्पोर्टेंस है उनका, कि लाइक प्लेस होने में कितने चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर आपका टेक्निकल स्ट्रांग हुआ तो कम्युनिकेशन पे वो लोग कम फोकस करेंगे, तो ये चीजों के बारे में तुम्हें क्या लगता है? लाइक
तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है? कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करती है, बहुत ज्यादा मैटर करती है। देखो तीन चीजें होती है, भले आपके पास फुल नॉलेज हो बट अगर आपको उसको डिलीवर करते नहीं आ रहा तो उस नॉलेज का कोई मतलब नहीं। देखिए सामने वाले को समझना भी चाहिए बट सामने वाले को वो चीज समझ में भी तो आनी चाहिए कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, क्या आप क्या कोड एक्सप्लेन करना चाह रहे हो। तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर्स, ठीक है। और अगर आपको इम्प्रूव करना है तो जैसे अभी हम लोग क्या करते थे कि हमारे पास लास्ट का थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल गया था, हमारे प्लेसमेंट थोड़े डिले हो गए थे, तो हम लोग क्या करते थे डेली वन ऑन हॉट सीट खेलते थे। मतलब कि चलो आज 100 क्वेश्चंस लगा जाते, जावा के कोई भी वेबसाइट उठा ली, 100 क्वेश्चंस लगा जाते थे। हम चार लोगों का ग्रुप था तो हम तीन लोग मिलकर उस हिसाब से पूछते थे, फिर हम उसके फ्लॉज बताते थे कि यार तूने ये पॉइंट अच्छे से नहीं समझाया, तूने ये चीज अच्छे से नहीं समझाई, तेरी ये पॉइंट मीटिंग ये तेरा वीक था, तूने अच्छे से नहीं एक्सप्लेन किया। फिर सिमिलरली ऐसे सब 10-10, 20-20 क्वेश्चंस उससे पूछते थे, फिर सिमिलरली सेकंड इंसान, थर्ड इंसान, फोर्थ इंसान, ऐसे कर करके हमने स्किल्स इंप्रूव की थी। और इंग्लिश तब जो दोस्त थे उनकी इंग्लिश बहुत बहुत ज्यादा दिक्कत जाती थी, सो हम ऐसा करते थे फ्रॉम दैट डे वन स्टार्टिंग किया, जैसे कोई डाउट भी है तो इंग्लिश में पूछो, हिंदी हिंदी में बात नहीं करना है, ठीक है। जनरली महाराष्ट्र के लोग थी क्योंकि उन लोगों का मराठी को ज्यादा कंफर्टेबल है, इंग्लिश में उनकी थोड़ी वीक होती है इंग्लिश, वो ज्यादा उनकी मराठी स्ट्रांग होती है, तो और जो प्रोनाउंसिएशन है थोड़े अलग जाते हैं। जैसे बहुत से लोग यम यम करते हैं तो सामने वाले को समझ में भी तो आना चाहिए कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। तो कि अब आ गए हो तो जब आप बातचीत कर रहे हो तो ट्राई करो कि अपने दोस्तों दोस्तों से सबसे इंग्लिश में बात करो तो वो फ्लुएंसी हो जाएगी। मेरे को प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि इंग्लिश इंग्लिश होती थी, पर मैंने मेरे फ्रेंड्स को बता दिया था कि अपन ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो हाँ सबका हो गया। अच्छा तो अभी हो गया। और जो एप्टीट्यूड के बारे में बता दो, लाइक एप्टीट्यूड कितना इंपॉर्टेंट है फर्स्ट राउंड आपको निकालने के लिए बच्चों का। मैंने एप्टीट्यूड ऐसे प्रिपेयर किया था, देखो मैंने एप्टीट्यूड ऐसे प्रिपेयर किया था कि मेरे पास जब मैं सीकेट कर रहा क्रिकेट मतलब सीकेट की स्टडी कर रहा था तो मैंने कॉपी बना ली थी, बहुत अच्छे से मैंने मीटिंग करी थी कि ये चीज का ये फॉर्मूला ये नोट्स है, ठीक है। अब सीडैक करते करते इतना टाइम मिलता नहीं है तो मैं क्या करता था उस कॉपी को रोज गो थ्रू कर लेता, तो मेरे पास वो मेरे को सारे जो फॉर्मूले थे जितने कॉन्सेप्ट्स थे वो सब मेरे को रिवाइज, तो रोज इतनी बड़ी जैसे कॉपी है तो कितना पहले दिन दो एक दो घंटे लगे थे, जैसे जैसे आप आगे आते हो तो 10-15 मिनट पूरी कॉपी रिवाइज हो जाती है, कुछ ज्यादा टाइम। तो वो कॉपी रिवाइज करते करते होते थे, फिर उसके बाद जब लास्ट का 1-1.5 महीना बचा था मैंने उसको फुल किया, मेरे को मैंने शेड्यूल बना लिया कि मेरे को इतने टाइम एप्टीट्यूड करना है, इतने टाइम ये करना है ये करना है। एप्टीट्यूड के बिना पहला राउंड निकलेगा नहीं, तो कितना भी नॉलेज हो कोडिंग का कोई मतलब नहीं है, पहला राउंड निकालना मस्त। तो एप्टीट्यूड तो अच्छा होना ही चाहिए, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर फर्स्ट राउंड क्लियर नहीं होंगे तो आगे जाओगे कैसे लाइक प्लेसमेंट के लिए। तो अभी जो मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैं मेक बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, मेरा गैप है 5 साल या 4 साल का जो भी गैप है, तो प्लेसमेंट में कितना दिक्कत आएगी या फिर कितने कॉल्स मिल सकते हैं, या फिर अगर मेक से है तो ऑनलाइन में कितनी दिक्कत आएगी, ये मोस्टली सबसे ज्यादा बच्चों ने क्वेश्चन यही पूछा है मुझे कि लाइक इसके बारे में बता दो कि तुम्हें क्या लगता है। और तुम्हारे जो स्टूडेंट है मतलब जो भी फ्रेंड्स है उसमें से अगर कोई 4 साल या 5 साल का गैप है और वो प्लेस हो चुका है या फिर उसे कुछ दिक्कत आ रही है प्लेसमेंट में तो क्या लगता है तुम्हें इसके बारे में? देखो मेरा ऐसा रहा, मेरा फ्रेंड क्लोज फ्रेंड मतलब हमने पूरा सीडेक साथ में किया, क्रिकेट किया था, ठीक है, वो संभी में फर्स्ट रैंक था, ठीक है, वो मैकेनिकल बैकग्राउंड 2018 पास आउट, ठीक है, 2 साल उसने जॉब करी थी, स्टिल ही इज प्लेस्ड इन सेम कंपनी, वी आर प्लेस्ड इन सेम कंपनी, तो हम दोनों जो सॉफ्टवेयर में। सो ऐसा नहीं है कि आप मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, सिविल से हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप अगर टेक्निकली साउंड हो, अपने आप को टेक्निकल साउंड बना लेते हो तो आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। रही बात कॉल्स की, कॉल्स अफेक्ट होते हैं 100% होते हैं, ठीक है, कि और रही बात हमें कितने कॉल्स आएंगे तो ये किसी को नहीं पता है। उस समय सीडेक के हाथ में कुछ नहीं होता है, सीडेक अपना डेटा कंपनी को भेज देता है। अब कंपनी क्या बेसिस पे शॉर्टलिस्ट कर रही है, वो 10th ले रही है, 12th ले रही है, सीसी ले रही है, प्रोजेक्ट ले रही है, टेक्नोलॉजी ले रही है, क्या ले रही है, किसी को नहीं पता है। सीधे सीडेक शॉर्टलिस्ट आ जाती है, ये बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं, ये बच्चों का इंटरव्यू, इनको टेस्ट की लिंक आ जाएगी। सो ये किसी को नहीं पता है कि क्या बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग हुई है, कि क्या हुआ है, ईयर गैप मैटर कर रहा है नहीं कर रहा है, बट डेफिनेटली ईयर गैप मैटर्स, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स को मेरे से थोड़े कम कॉल आए थे, मेरे को सारे कॉल्स आ रहे थे, उसको थोड़े कम आ रहे थे, बट ऐसा नहीं कि आते नहीं। इनफैक्ट 2014 मेरा एक दोस्त है, स्टिल ही गॉट्स, अभी तक उसके 10 कॉल्स हो चुके हैं 2014, 6 साल का ऑलरेडी गैप है, तो स्टिल उसको 5-6 कॉल्स आ चुके हैं। मतलब कॉल्स आते हैं बट अब आप पे डिपेंड है कि आप कितना उसको कन्वर्ट कर पाते हो जल्दी। ओके और लाइक बच्चों का वही डाउट होता है कि गैप की वजह से क्या होता है। गाइस देखो गैप है आपका तो आपको डेफिनेटली कुछ कॉल्स कम मिलेंगे,
कंपेरेटिवली जो फ्रेशर है और उसके अच्छे मार्क्स है। तो गाइज इसके लिए इतना नहीं कि कॉल्स नहीं मिलेंगे, मिल जाएंगे कॉल्स। लाइक मैंने तो सुना है 2012 का भी एक बंदा प्लेस हो चुका है, मतलब जो 19 बैच में था 12 का भी बंदा प्लेस हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, बाकी जो कंपनीज जिस बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करते हैं, जैसे अक्षय ने बताया कि वो किसी को पता नहीं होता है। लाइक अपन फ्रेंड्स में बातें करते हैं, लाइक यार तू शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ मैं हुआ, तो शायद इस बेसिस पे किया होगा शॉर्टलिस्ट, इस बेसिस पे। तो ये अपना मतलब फ्रेंड्स में बातें होती है कि ऐसे कंपनी कभी बताती नहीं कि किस बेसिस पे उन लोगों ने शॉर्टलिस्ट किया है तुम लोगों को। ओके, तो अभी इसके नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। तो जो एंड एग्जाम होता है सीसीई का, तो उसका कितना इंपॉर्टेंस है सीडैक के प्लेसमेंट के टाइम की शॉर्टलिस्ट होने में? लाइक मैंने सुना है मोस्टली कंपनी सीसीई के बेस पे शॉर्टलिस्ट करती है बच्चों को, तो उसमें अच्छा रैंक लाना या फिर उसमें अच्छा स्कोर करना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उसका एग्जाम का पैटर्न कैसे होता है? एमसीक्यू बेस्ड या फिर थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं, या फिर लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या होता है? तो जो एग्जाम होती सीसी मोस्टली ऐसा नहीं है कि, देखो मैं वही बोला अभी कि पता नहीं होता किसके बेसिस पे कंपनी शॉर्टलिस्ट कर रही है, सीसी पे कर रही है, बट हाँ कंपनी सीसी के बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग करती है, करती है। सो हाँ कंपनी सीसी बेसिस शॉर्टलिस्ट करती है, तो मेरा स्कोर था 75% और हमारे टाइम के था 82 हाईएस्ट, ठीक है। सो ट्राई करो कि 60 अबाउ रहे हमारा, ठीक है। हमारी जो एग्जाम थी वो प्रॉक्टर्ड थी, फुल्ली सिक्योर थी। इन सामने आपको देख हर 10 हर 10 या 12 इंसान पता नहीं कितने लोगों पे एक फैकल्टी बैठी हुई थी, ठीक है। अगर आप करते हो तो आपको फैकल्टी बोलती है 360 दिखा, घुमा के दिखाओ, ठीक है, आपके पास नॉइज नहीं होनी चाहिए, कुछ होनी चाहिए सीधे, और आपका पेपर वो इनफैक्ट ब्लॉक भी कर देती है और खराब भी है, पॉज कर देती है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, और हुआ है बच्चों का डेफिनेटली हुआ, ठीक है। और प्रिपरेशन मैंने ऐसी करी थी कि मैंने पूरे नोट्स पढ़ लिए थे जो हमारे इंस्टीट्यूट ने दिए थे, और उसके बाद मैंने जितनी जैसे सैंड फाउंड्री हो गई, ये हो गई, जितनी तरह से मल्टीपल जहाँ से क्वेश्चन लगा सकते उस टॉपिक के क्वेश्चन लगा प्रैक्टिस करते जाओ फिर, और एग्जाम का लेवल जो आपने पढ़ा है उस लेवल पे ही होती है, मतलब ऐसा नहीं है जो सिलेबस में है उस पे ही पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ अलग से क्वेश्चन डालेंगे। तो 40 क्वेश्चन होते हैं और एक दिन में दो पेपर होते थे, 6 सब्जेक्ट से एक दिन में दो पेपर कंटिन्यू, ठीक है। तो पहले दो 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 घंटे के दो दो पेपर होते थे, मतलब एक 2 hours का slot था, पहले एक पेपर 40 minutes और 1 hour का एक क्वेश्चन, 40 minutes का स्लॉट होता था, एक बार में करना पड़ता था। तो बेटर है 40 questions 1 hour में। अच्छा तो बेटर है सीसी में थोड़ा सा अच्छा स्कोर कर लो अगर आपका गैप है या फिर आप मिक्स से बिलोंग करते, ताकि आपको एक प्लस पॉइंट हो जाए ज्यादा कॉल्स मिलने में, राइट। मिनिमम 60+ तो कर लो तो तुम्हारी हो जाते, तुम एक सही प्लेटफॉर्म पे हो जाते हो, 60 से नीचे हुआ तो इम्पैक्ट होता है। अब वो कितना होता है कि क्योंकि वो तो कंपनी डिसाइड करती है कि क्या क्राइटेरिया उसको लगते हैं। अच्छा और नॉन आईटी स्टूडेंट्स के बारे में क्या कहना है, लाइक कि उनका उनका क्या प्रिपरेशन होना चाहिए? लाइक अगर सीएस से बिलोंग करता है तो ही ऑलरेडी नोज, मतलब उसको बहुत सारी चीजें पता है, जो मैकेनिकल का बंदा है उसे बहुत सारी चीजें बहुत सारी भी नहीं मैं बोलता हूँ मतलब पता ही नहीं है कुछ, लाइक उसने अगर सीकैट का अच्छे से प्रिपेयर किया। एक चीज बताता हूँ, मैं भले कॉलेज से हूँ, मेरा कॉलेज बहुत अच्छा था, ठीक है, हम सबको प्लेसमेंट्स भी हमारे कॉलेज का लगभग CSITEC सब प्लेस हो चुका था, ठीक है। ओके पढ़ते हैं वो सीडैक में 2 दिन में खत्म हो जाता है, 2 डे में खत्म हो जाता है, ठीक है। सो हम अगर CSIT के भी स्टूडेंट्स हो तो उस चीज का कोई ऐसा, क्योंकि यहाँ जो चीज चलती है ना बहुत हाई लेवल पे चलने लग जाती है, जहाँ ना 3-4 दिन में उसके ऊपर तो सब नया होता है, क्योंकि हम कॉलेज में कभी इतने पढ़ते नहीं है, 4-5 महीने का सेशन होता है, उसमें भी वो जावा पढ़ाते हैं, हमें पता है हमारी हैबिट क्या होती है, रटो कोड रट लो लिख लो, पता ही नहीं कंस्ट्रक्टर क्यों बना रहे, क्यों इम्प्लीसिट उसको कॉल कर रहे, तो 2-3 दिन में खत्म हो जाता है, मैक्सिमम ज्यादा कुछ नहीं टिकता है। सो CSIT सब एक ऐसा कुछ नहीं कि मैकेनिकल वालों को दिक्कत होगी या सबके लिए वो सब सेम लेवल है, इनफैक्ट मैं तो बोल रहा हूँ गुड कॉलेज। बच्चों को कैसा डर होता है कि लाइक मैकेनिकल से है तो होगा नहीं, तो गाइस आपको बता दूं जो सीएस और आईटी करके आए वो लोग भी 4 साल के इंजीनियरिंग में, उनको भी नहीं पता होता है कंसेप्ट, लाइक वो लोग कोड रट के कर चुके होते हैं, लाइक जब सीडैक में आते हैं तो सब बच्चे थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि करियर का सवाल है, क्योंकि आगे तुम्हें अगर आपका करियर पूरा डिपेंड अभी सीडैक पे है तो ज्यादा सीडैक इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंस वो लोग देते हैं, लाइक कि अगर मैकेनिकल से हो तो ज्यादा मेहनत करो, अगर सीएस का कर रहा है अगर 6-7 घंटे कर रहा है तो तुम थोड़ा ज्यादा करो, उससे ज्यादा करो, बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल है, अगर टीचर का पढ़ाया हुआ नहीं समझ रहा है तो यूट्यूब पे जाओ, हर टॉपिक के लिए सर्च करो, देखो वीडियोस, एमसीक्यू सॉल्व करो, इंटरव्यू क्वेश्चन देख लो, तो इसे हो जाएगा। मेरी भी यही स्ट्रेटेजी रहती थी कि हम लोग को कुछ टॉपिक समझ नहीं आया तो गिग्स फॉर गिग्स
वहां से पढ़ लिया, वहां से समझ नहीं आया यूट्यूब पे गए, कलेक्शंस की हायरार्की नहीं समझी समझ लो फॉर एग्जांपल, तो गए वहां पे पढ़ लिया कि अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा होता है, क्योंकि यूट्यूब पे एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है आपको जो टॉपिक समझ नहीं कर लो अच्छे से समझ लो, उसके नोट्स बनाने नोट्स बना लो तो हो जाता है। कि आप अगर कोई दूसरे इंस्टीट्यूट में हो ताकि वह फैकल्टी सपोर्ट नहीं है फॉर एग्जांपल, आप कुछ नहीं कर सकते हो, अगर आपको करना है तो जाओ उसको समझ लो, हर टॉपिक अवेलेबल है, कोई भी सो ऐसा कोई टॉपिक नहीं कि जो अवेलेबल नहीं होगा, उसके इंटरव्यू क्वेश्चंस पढ़ लो सब कुछ कर लो, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपरली करो, टाइम मैनेजमेंट अगर सही से करोगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आपको डेली एरे के क्वेश्चंस लगाने, स्ट्रिंग के क्वेश्चंस लगाने, पजल्स लगाने, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी, लैब वर्क करना है, सीडेक की क्लासेस अटेंड करनी है, एंड स्टिल इफ यू हैव सम ऑफ द रेस्ट इन अ लैब तो आप उसने जो दिन भर पढ़ा उसको रिवाइज करना, सो टाइम मैनेजमेंट इज मस्ट। लाइक ऊपर से एक ऑनलाइन का यही प्लस पॉइंट है कि तुम्हें कैसा लैब और क्लासेस चल रही कुछ देर के लिए, उसके बाद तुम्हारे पास बहुत टाइम है कि लाइक बहुत टाइम नहीं है लाइक प्रिपेयर करने के लिए बहुत टाइम है वो बोल रहा हूँ कि लाइक तुम करो, क्योंकि ऑफलाइन में कैसे होता था कि 7 बजे सुबह चले गए, 8 बजे चले गए, रात को 10 बजे तक सेंटर में ही है, जो करना है करो, इधर दौड़ो उधर दौड़ो, खाना खाने के लिए टाइम नहीं है, बच्चों को ये दिक्कत रहती है ऑफलाइन में। तो ऑनलाइन में एक चीज अच्छा है, तुमको घर बैठे बैठे मिल रहा है सब, अगर मॉम घर पे तो लाके दे रही है सब खाना जगह पे, तो तुम्हें सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है कैसे पढ़ना है, कि क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, मतलब अगर कोई टॉपिक नहीं समझ रहा है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो भी आज पढ़ लिया तो आज उसके नोट्स निकाल लो या फिर आज ही उसको कवर कर लो, क्योंकि आगे टाइम नहीं मिलेगा, गारंटी है नहीं मिलता। एग्जैक्टली, और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका फिजिकल मूड में आपको आने जाने का टाइम लग जाता था, आप खाने खाने जाने आपको 1-2 घंटा जो बचता था तो वो 1 घंटा मिलता था उसमें स्लीप ले लेता, मैंने देखा ना स्टूडेंट्स वो लोग 1-1 आवर ट्रैवल करते थे, अगर पुणे में अगर सीडैक अपूर्टी का सेंटर मिला है दे यू टू स्टे इन लाइक दूसरे विमान नगर के एरिया में, और इतना जाने के लिए उनको 1 आवर टाइम लग जाता, 1 आवर जाना 1 आवर आना, 2 आवर तो तुम्हारे इधर ही वेस्ट हो गए। तो अच्छा है, सब बढ़िया था, मुझे लगता है सभी पॉइंट्स आप उन लोगों ने क्लियर कर दिया है। तो अभी जो करंट बैच के स्टूडेंट है उनके लिए एकदम शॉर्ट में तुझे अगर कुछ टिप्स देना है कि लाइक क्या एकदम शॉर्ट टिप्स की लाइक क्या करो कि ताकि तुम्हारा अच्छा हो जाए कोर्स में सब कुछ। देखो जो इंस्टीट्यूट पढ़ा रहा है ना पहले वो चीज अच्छे से कर लो, ठीक है, अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे पास डिटेल वाइज डे वाइज ब्रेकअप है, तुम्हें लगता है अरे टॉपिक हमारा अगर सही से नहीं मिला है और तुमको लगता है अरे इम्पोर्टेंट है और हमें आना चाहिए, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कलेक्शन हो गया जावा में, MySQL में ज्वाइंस हो गया, ठीक है, तुम्हें लगता है कि यार हमें ज्वाइंस अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, और तुम्हें लगता है कि हमारे इंस्टीट्यूट ने नहीं पढ़ाया, यूट्यूब पे जाओ, WTSQL पे जाओ, जो रिसोर्स प्रीफर करना है वहां से पढ़ो, ठीक है, डेली पढ़ो, एरे और स्ट्रिंग्स डेली लगाओ, तुम सोचो कि लास्ट में जाके 1 महीने में हम कोडिंग कर लेंगे, ठीक है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं, तुम्हारे कोई कोड वही लॉजिकल स्किल्स ही डेवलप नहीं हो पाएगी, ठीक है, टेक योर टाइम, स्लोली स्लोली 1 क्वेश्चन करो 2 क्वेश्चन करो, ठीक है, पर डेली करो, ठीक है, ऐसा नहीं आज संडे आज 10 क्वेश्चन लगा लिए हफ्ता भर कुछ नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है, डेली 1 या 2 क्वेश्चन लगाओ, उसको कॉपी में नोट डाउन करते चलो, नहीं तो आज लगा लिया तुमने लिख तो लिया 10 दिन बाद तुम्हारे में वही कोड बोलूंगा तुम नहीं लिख पाओगे, तो कॉपी में नोट डाउन करो, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर इंटरव्यू को तुम अगर सिर्फ लॉजिक भी समझा दोगे इंटरव्यू में तो वो खुश हो जाएगा, उसको पूरा तुम्हारा कोड एग्जैक्ट आना चाहिए, वो ये एक्सपेक्ट नहीं करता है तुमसे कि तुम उसे लॉजिक समझा दो, बेटर है कि लॉजिक समझाने से भी वो मतलब समझ जाएगा कि तुझे अच्छा नॉलेज है उसके बेसिस पर, बस मेन और बच्चे में से क्या पूछता है कि यार हमें कोडिंग आती नहीं है, हम कहाँ से करें कोडिंग, तुमने कैसे कोडिंग, कोडिंग का कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोडिंग का एक ही है, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लॉजिक यू डेवलप, जितना प्रैक्टिस करो लॉजिक डेवलप हो गए, अब तुम्हारे को तुमने आज तक फॉर एग्जाम्पल हैश मैप यूज ही नहीं किया है, ठीक है, अब तुम्हें फ्रीक्वेंसी काउंट बोल रहा हूँ, तुम लगा रहे हो 2 लूप 3 लूप, और हाँ बहुत सी कंपनी के जो वो होते हैं क्या बोलते हैं आईडीज होते हैं वो टाइम लिमिट एक्सीड एरर देते हैं, अगर तुमने बहुत ज्यादा लूप्स लगा लगा के सॉल्व किया है तो तुम्हारा कोड कंपाइल ही नहीं होता है, ठीक है, तो जब प्रैक्टिस करोगे चीजों को तो तुम्हारे को क्लियर होगा कि यार क्या क्या एरर्स आती है, तो तुम वहां बैठे हो रही तो मैंने कोड सही लिखा ये चल क्यों नहीं रहा, ठीक है, तो धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस करो कि कैसे होती है सॉल्व, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन के पीछे मत भागो, पहले तो नॉर्मल लॉजिक डेवलप कर लो, लॉजिक डेवलप हो जाएगा तो ऑप्टिमाइजेशन तुम खुद कर लोगे, और जो डेली पढ़ना है खुद का करते जाओ, एरे स्ट्रिंग्स डेली लगाओ, जो टॉपिक पढ़ाया अगर तुम उसके इंटरव्यू क्वेश्चन हाथ के साथ लगा दोगे तो ज्यादा अच्छा है, बाद में लगाना है बाद में लगाओ, बाद में टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा किसी को पता नहीं, क्योंकि फेब 2020 बैच का क्या हुआ था सीधे उनके एग्जाम्स हुई और 2 दिन बाद प्लेसमेंट शुरू, तो
आपको टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, आपकी बैच के समय क्या होगा क्या नहीं होगा। हमारी बैच के समय में टाइम मिल गया था, तुम्हारी बैच के समय तुम्हें टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं, जो भी हो तो तुम उसके तैयार हो, तो इसलिए अभी से प्रिपेयर करते रहो। तो अभी मुझे लगता है आप सब टॉपिक मतलब जो भी पॉइंट्स थे मतलब जो भी क्वेश्चंस थे कवर कर लिया है, तो एक रैंडम क्वेश्चंस लेते हैं जो मैंने मतलब लिस्ट निकालने के बाद कुछ क्वेश्चंस आए तो वो भी कवर कर लेते लाइक। हाँ तो क्वेश्चन आए, इज इट बेटर टू क्विट अ जॉब एंड डू सीटेक, वो तो कवर हो गया है लगता है। इफ यू बैडली वांट टू डू द सीटेक, हाँ मतलब अगर आपको बहुत सीटेक करने का अपने जुनून है तो आप कर लो, क्योंकि कैसा हो जाता है सीटेक करने से एक नॉलेज बेस बन जाता है जो कि तुम नॉर्मली जॉब करने से नहीं बनेगा, गारंटी है। और जो सीडैक करेगा इतने शॉर्ट स्पैन में आपको इतनी अच्छी जॉब मिलना भी सीडैक के थ्रू पॉसिबल है और पॉसिबल जुनून हो तो ही करना, अगर तुम्हें लगता है कि हम भाई सोने वाले हैं खाते पीते हैं हमारे पास पढ़ाई लिखाई के लिए हम और जॉब और सीडैक एक साथ नहीं हो सकते, इस चीज का ध्यान रखना। जो लोगों का मोस्ट फ्रेंडली हम जॉब भी कर लेंगे सीडैक भी कर लेंगे दोनों मैनेज कर लेंगे नहीं होगा। ओके ओके, मुझे लगता है मोस्टली क्वेश्चंस कवर हो गए। हाउ मेनी कॉल्स डज वन गेट, ऐसा बोल रहा है कोई मतलब कॉल्स का क्या 30 मिलते हमारे टाइम 30 रखा था मैक्सिमम 30 पर मिनिमम नहीं पता, अगर आपके मार्क्स बहुत पुराने पाप बहुत किए हो 10 12th में एकदम गए भी हो इंजीनियरिंग में भी सीसी में भी गए भी थे हो तो वो तो कंपनी पे डिसाइड है कि कितने मिले। और एक क्वेश्चन है लाइक बच्चों क्या होता है अगर बच्चे का क्वेश्चन पहले से ही नेगेटिव अप्रोच से हो जाता है लाइक अगर सीडैक कर लिया प्लेस नहीं हुआ तो अगर सीडैक के थ्रू प्लेस नहीं अगर सीडैक के थ्रू प्लेस नहीं हुआ देन क्या ऑप्शंस है लाइक कि क्या आप ऑफ कैंपस ट्राई कर लो, आप इतने केपेबल तो हो जाते हो। और वैसे 30 फॉल में अगर तुम्हारा नहीं हुआ तो फिर यार मैं तो सोचता हूं कि तुम क्या प्लेसमेंट था एक्सपेक्ट क्या मतलब मैं क्या बोलूं मतलब क्या अगर आपका 30 फॉल में भी नहीं हो रहा है अगर आप इफ यू आर गेटिंग 30 still if you are not getting place, so सोचने की बात है जरा। तो कमी तो कमी तुम में मतलब सेंटर में नहीं कि हाँ, प्लेसमेंट नहीं सेंटर वेंटर में कमी नहीं है यार, 30 चांस बहुत होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग प्लेस तो बुरी बात है, फिर अगर तुम्हें करना हो तो फिर ऑफ कैंपस ट्राई करो और कुछ नहीं कर सकते। ऐसा मत समझना सीडैक आ गया तो 4.5-5 लाख की नौकरी तो सबको मिली जाएगी। अभी लास्ट में एक चीज बता दो कि लाइक सनबीम में अभी तुम्हारे बैच का कितने बच्चे प्लेस हो चुके हैं मतलब और कितने बच्चे हैं। अप्रोक्सीमेट मैं ऑफिशियल फिगर नहीं बोल रहा हूँ ठीक है, अप्रोक्सीमेट 60% के अप्रोक्स हो चुके हैं। ओके ओके ठीक है चलो, अभी और चल रहा है ना मतलब और बहुत सारी कंपनी अभी तो कंटिन्यू है अभी खत्म नहीं हुआ है कैंपस अभी चालू है, 1 month कुछ तो चलता है प्लेसमेंट का प्रोसेस ऐसे। वो उनकी देखो वो एक्चुअली में डिपेंड करते हैं कि कितनी कंपनी जो उन्होंने लाइन अप करके रखी हुई है वो 1 महीना चलता है 1.5 महीना चलता है 2 महीना चलता है 3 महीने चलता है डिपेंड्स अपॉन द कंपनी सीडैक की वो कितने महीने उनके पास कितनी कंपनी का लाइन अप आ गई क्योंकि 100 कंपनी का लाइन अप हुआ फॉर एग्जाम्पल तो प्रोसेस को टाइम एक दिन में 1 कंपनी या 2 कंपनी हो पाई प्रोसेस को टाइम तो तुम्हारे कंपनी का एचआर टेक्निकल तुम्हारे बैच के लिए लाइक हाईएस्ट पैकेज कितना आया था मतलब कौन सी कंपनी थी हमारे बैच के लिए हाईएस्ट 9 लाख है पर अभी रिसेंटली 19 लाख की कंपनी आई तो अगर बीसीए के लिए तो 19 लाख के लिए 5 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए 3x से 2 सनबीम के लिए ठीक है और हमारे लिए डेक के लिए आई है कल 16 आज आइए लॉवेस आइए 19 एंट्री है तो अब वो कितने 19 हो सकता है डीबीडी के लिए तो 19 हो चुका है डेक के भी अभी आई है मतलब मैंने जितना सीडैक का देखा हिस्ट्री उसमें मुझे लगता है 19 सबसे हाईएस्ट है क्योंकि लास्ट टाइम मैंने देखा था अराउंड अभी तक हाईएस्ट 14 था 14 कौपा ने 14 किया था 2018 बैच में या 2018 में 14 तो ये 19 लाख का हाईएस्ट गाइस जो डीबीडी को अंडर एस्टिमेट करते हैं वो लोग सुन लो लाइक 19 लाख की कंपनी आई है डीबीडी में और बच्चे और 5 स्टूडेंट्स को लेकर ये बहुत बड़ी बात है बहुत ब्रो 1 करोड़ करोड़ पे कर रही है
तो चलो गाइस, मुझे लगता है आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको कुछ डाउट्स आते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, अक्षय भी रिप्लाई कर देगा या फिर मैं भी रिप्लाई कर दूंगा जो भी डाउट्स है आपके। और बाकी कुछ तुम अगर जो नया बच्चा सुन रहा है जिसको सिडा के बारे में नहीं पता, वो लोग मेरा चैनल चेक कर सकते हो, मैंने बहुत सारे वीडियोस वहां पर डाल चुका हूँ, वो लोग चेक करो, आपको आइडिया आ जाएगा। और उसके बाद और एक बात है, लाइक सिडा डिस्कशन का ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पर भी डाउट्स पूछ सकते हो आपके कुछ जो भी डाउट्स है। या फिर मेरा एक आईटी वर्ल्ड का इंस्टाग्राम का पेज है, उसका लिंक मैं सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो एक बार लाइक कर दो, अक्षय के लिए भी और मेरे लिए भी, सब्सक्राइब भी कर देना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और गाइस, शेयर भी करो। शेयर करो। चलो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं सोच रहा हूँ जल्दी और भी मतलब बाकी सेंटर के बच्चों को भी लेकर आऊँ, तो जितना हो सके ट्राई करूंगा सबको लेके आने के लिए। वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया है तो देख लो, ज्यादा डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलो मैं पॉज कर देता हूँ पहले।